गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज सेकंड डे है और हम लोग तीन दिन में एसडी यादव का अनुपात समर्पण खत्म करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, पहला कितना रहा जी, नंबर तो दिया नहीं। दो संख्याओं के योगफल का 30% ध्यान देंगे। पहला अगर एक्स है, दूसरा वाई है, उसका कितना परसेंट? 30%। तुरंत लिखने अगर नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा। जी एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। तो x प्लस दो संख्या का 30% का मतलब बता चुके हैं, गुना होता है। तो x प्लस वाई का 30% लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बताओ। आगे बोल रहा है कि उनके अंतर के 40%, उनके अंतर का मतलब x माइनस वाई का कितना परसेंट? 40%। और ये एक ऐसा वीडियो है जहां पे हम धीरे धीरे बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत है नहीं और मजा आ जाएगा आपको। याद रखिएगा, पूरे YouTube के इतिहास में इस तरह का पगड़ी बना के नहीं देता है। तो चलिए हम लोग 100-100 यहाँ पे कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो 3x प्लस 3y हमारा कितना हो गया? 4x माइनस 4y। तो ध्यान दीजिए, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा माइनस एक्स। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? माइनस 7y। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स अनुपात वाई का रेशियो कितना हो गया? 7:1। लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? एक्स मतलब 7:1 होगा। समझ पाए हैं कि नहीं? हाँ समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? दिक्कत नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि बता रहा है, जानते हैं ना आपका खतरनाक मास्टर बीडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं और एकदम वीडियो को बताइएगा, वीडियो में बताइएगा जरूर, एकदम कहीं किसी और चैनल के देखने की जरूरत नहीं होगा, आग लगा देंगे हम। विक्रम ट्यूटोरियल बीडी देखते रहिए, चैनल गर्दा उड़ाने वाला, जहां पे हम लोग मिलकर गर्दा उड़ा देते हैं और आप भी उड़ा देते। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर दिया तो नंबर देंगे। दो संख्या के योगफल के अंतर का अनुपात कितना है जी? देखो योगफल तो x प्लस वाई, अंतर यानी x माइनस वाई का अनुपात मतलब बटे, ठीक है, कितना अनुपात दिया हुआ है? 5:1। क्रॉस फटाफट गुना कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 5x और माइनस 5y। इधर आएगा तो माइनस 4x और बराबर उधर जाएगा माइनस वाई, उधर जाएगा तो माइनस 6y। 2 × 4 = 6, माइनस माइनस खत्म। x और y का रेशियो कितना हो गया? 3:2 हो गया। आगे पढ़ेंगे और दिया होगा तो, लेकिन एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि समीकरण, छोटा छोटा समीकरण अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता है तो यहाँ भी आपको बता देंगे, हम सब बता देंगे, सब समझे कि नहीं, लगा देंगे जॉब अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो। यही तो पूछा था इसमें भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 48 में 3 संख्या का योगफल कितना है जी? दूसरी का तीसरे से अनुपात कितना है जी? ये 3 संख्या योगफल है तो पहले अनुपात से काम कर लेते हैं। दूसरी देखिए, एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा y और तीसरा z, a b c भी मान सकते हैं, p q r भी मान सकते हैं, लेकिन x y z है ज्यादा फेमस। देखो a b c भी फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस कौन है? x, ना आगे x ना पीछे x, ए ना आगे x ना पीछे x, अगर जो बच गया x से वो करता हमेशा फैक्स, समझेगी ना? एक्स का बहुत बड़ा है कहानी, अभी नहीं सुनाएंगे अपनी जवानी, जो करता है एक्स के पीछा, समझो वो हो जाता है पीछा है। तो चलिए इसी में एक्स वाई जेड मान लिए कि एक्स वाई जेड तीन एक संख्या है, पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, तीसरी संख्या जेड। अब बोला दूसरी का तीसरी से अनुपात, यानी वाई का जेड से अनुपात कितना है? कितना अनुपात है जी भाई? 9:6, यही ना जी? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 48 नंबर है ये क्वेश्चन शायद, ठीक है। अब बोलता पहली का तीसरी से, देखिए पहला है क्या है x, तीसरी से मतलब जेड, अब बराबर कितना दिया हुआ है जी इसका अनुपात? 1:4, 1:4। और हम पहले सिखा दिए हैं कि जो कॉमन रहे उसको बीच में लाना होगा, इसका मतलब इसको जेड अनुपात क्या कर देंगे? y कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 6:9 हो जाएगा। क्लियर है? यस क्लियर है भाई, क्लियर है? पहले क्लियर है कि नहीं? तो x अनुपात हो जाएगा, जब बीच में ये आ गया तो हो गया x अनुपात z अनुपात y हो गया हमारा कितना? 1 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 और 9 ×
36 तो कट जाएगा कितना से, 3 से कट जाएगा, 3 दुना 6, 3 8 24, 3 12 36 ना जी, 26 कट जाएगा जी, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 छके 36, ये हमारा निकल गया। अब तीनों का योग दे दिया है भाई, तो 1 4 5 6 11, यानी 11 का मान कितना दे दिया है इसके अंदर में, ध्यान देंगे 11 का मान कितना दे दिया है 121, तो 1 बराबर कितना होगा आप ही लोग बता सकते हैं 11। ये यहां तक आपका क्लियर है या नहीं ये भी मुझे बता सकते हैं, क्लियर है एकदम, एक एक चीज बढ़िया से, चलो बहुत बढ़िया। अगर फिर भी बोलते हैं, अगर फिर भी कठिनाई होती, फिर भी मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में और धीरे से और अच्छा से और तरीके से और बेहतरीन वे में एकदम इजी वे में लेके आएंगे और आपको समझा के रखेंगे। अब आगे बोल रहा है, बोलता है दूसरी संख्या क्या है, ये निकल किधर है, तो बोलता दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम लोग वाई माने थे, तो वाई है यहाँ पे लास्ट 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 11, 6 बराबर 6 गुने 11 कितना 66, समझ गए कि नहीं, समझे एकदम इजी कर दिए, एकदम आसान कर दिए, एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितना नंबर है, तो नंबर तो नहीं दिख रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल को, गर्ल का कितना परसेंट जी, 10%, ध्यान देंगे बराबर बोल रहा है लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या बॉय मानते हैं क्या कितना है जी, 1/20 के बराबर है, परसेंट का मीनिंग बता चुके हैं कितना होता है नीचे में, सर तो 20 × 5 = 10, तो गर्ल और बॉय का रेशियो क्या हो गया 1:2, खेल खत्म। आगे कह रहा है तदनुसार लड़कों तो लड़कियों का, ये लड़की और लड़का का है तो लड़कों और लड़कियों का कर देते हैं, ठीक है 2:1 हो जाएगा, क्या बताइए कितना, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है नहीं, दिक्कत छो हो, हम नहीं खोटा बोले ही हो, हम जाने ये खोटा तुम बोले ही, हम बोले ही, सब सीख सब बढ़ आगु बढ़, और अपने झारखंड के नाम ऊंचा कर, अगर झारखंड के वीडियो अगर हमारे झारखंड वाला वासी देखे हैं तो तुरा यह कहे हो कि रोज देख अच्छा लगे तो कमेंट कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर दे और दूसरा दूसरा के जगह फैला दे, क्योंकि हमको मोटिवेशन करे मिलते, करे मतलब किरे मिले, तो जब तक नहीं मिलेगा मोटिवेशन तब तक ये देश नहीं, जो ये नहीं बदलेगा नेशन, नेशन मतलब देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के अंदर में आग लगा देते हैं धीरे धीरे करके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। अब है आगे में कि ए अनुपात बी, ध्यान देंगे ए अनुपात बी कितना दिया है, लिख लेंगे आराम से कितना 3:4, और बी अनुपात सी कितना है 6:5, ध्यान देंगे, देखिए बी कॉमन है यहाँ पे, बीच में रखना है हमको, है तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे अब आराम से, ए अनुपात बी अनुपात सी, जब बीच वाला कॉमन वाला नहीं हो तो कॉमन वाला को बीच में पहले लाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है यहाँ पे जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसका इससे गुना हो जाता है, फिर इसका इससे होता है, हमेशा होता है, बस कर देना है, तो 3 × 18 आप ही खुद बोल दीजिए तब धीरे धीरे सीख पाएंगे, 4 × 6 = 24 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 12 = 24, 2 × 10 इतना। अब आगे मैं बोल रहा है सी और ए का रेशियो, ध्यान देंगे सी और ए का रेशियो निकालना है, तो सी हमारा लास्ट में है 10 और ए हमारा शुरू में है हमारा 9, आंसर हो गया, कटता तो और कटाते, क्या कोई दिक्कत, देखो कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए का धन बी के धन का, ध्यान देंगे ए का धन जो है बी के मतलब गुना कितना है जी 2/3, तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 2:3 हुआ कि नहीं हुआ, कितना समझ गए हैं, समझ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, बी का धन ध्यान देंगे बी का धन सी के धन का कितना है जी 9/11 है, तो बी और सी का रेशियो क्या हो गया हमारा, हो गया 9:11, इसको ठीक लिख लेते हैं, यहाँ देखो बी और सी यहाँ भी है और यहाँ भी बी, तो यहाँ पे इसको ठीक करके यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, ए अनुपात बी हमारा निकल गया है 2:3 और बी अनुपात सी भी हमारा निकल गया है 9:11। अब देखो ध्यान दो बी कॉमन फिर से आ गया ये वाला, इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अब निकल जाएगा,
कितना निकल जाएगा, ये फिर गुना कर दो, ऐसे जानते हैं सिखा रहे हैं बार बार, दो नमा 18, तीन नमा 27 और 11 33 ना जी, तीन से कटेगा, तीन छह 18, तीन नमा 27 और 3 11 बस खेल खत्म। आगे कुछ बोला होगा तो आगे बढ़ा देंगे इसको, तो आगे में हमारा इसमें इसमें कुछ बोला है, एक अधम सी के धन का अनुपात होता है, एक अधम तो ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ए हमारा 6 11 आंसर हो गया, तो कुछ है नहीं, बस बस आपको प्रैक्टिस करना है, एसडीआर का की बुक ले लेना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद देखिए आपका और भी क्वेश्चन प्रीवियस का हो या कहीं भी बनाना हो तो आप बना पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में वो ताकत आ जाएगा कि आपके अंदर में वो ताकत आएगा जिससे कि आप बना पाओगे हिसाब, ठीक है, मजा आ जाएगा बनाने में किताब, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है बताओ, 1 8 3 देखो 33.83 परसेंट का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अब आगे बोलता है b का 1.5 मतलब डेढ़ मतलब 3/2 बराबर बोल रहा c का 1/8। आपको बताया था पहले ठीक कर देना है, तो 3 2 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 2 8 का कैल्शियम 24, तो 24 लिख लीजिए, यानी 3 से इसको हम भाग देते जाएंगे, तो ए गुना कितना हो जाएगा 8, इधर 2 से 12 बारतिया 36 और कितना हो जाएगा सी गुने 3 8 36 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं है, 8 × 36 और गुना 3, तो ऑटोमेटिक है इसमें एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन तो हो ही जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 8 × 36 ठीक है, 8 से कटेगा ना, तो इतना लेने की जरूरत नहीं है, उधर आगे 36 और 8 भी लेना हो ना, तो 72 सीधे एलसीएम हो गया, ठीक, तो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा आराम से, इससे भाग देना पड़ता है, तो 8 × 72 36 × 72 और 24 3 72 आंसर हो गया, देखिए कुछ भी नहीं है, तो पहले उसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, नहीं आता ले जाने के लिए तो मेरा पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक है, पहला वीडियो में हम सब चीज बता दिए इस तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर भी उसी तरह का है, बना भी देते हैं फिर से, तो एक पाला समझ में नहीं आया तो इससे समझा देंगे, ए का 30% हो गया, बी का 0.25 मतलब इसको पॉइंट खत्म कर देंगे, यहां तो आ जाएगा, फिर आगे बोला है सी का 1/5 बोल दिया है, तो कटा दो ये और ये खत्म, 25 से 4 बार में ये खत्म, तो 4 10 5 का एलसीएम 20, तो 20 तो हो जाएगा ए गुना 10 × 20 तो 3 × 6 बराबर हो जाएगा 4 5 20 तो बी गुना 5 और बराबर क्या हो जाएगा 5 6 20 यानी सी गुना 4। अब 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा 60 ना जी, कितना हो जाएगा 60, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा 6 10 60 12 5 12 60 4 15 10 12 15 ठीक है, 10 12 15 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, अगर ए बी सी निकालने बोला होगा तो देखिए निकाल भी दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, एक एक खत्म कर रहे हैं, इसी टाइप का आप भी बना लीजिएगा, एक बार खुद बना के भी देखिएगा कि सच में आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, और भी तरीका देखिए तरीका है बहुत, बस आपको लगाने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 68 नंबर, 68 नंबर में बोल रहा है कि 7000 की इतना राशि ए तब बी का अंश कितना दिया है जी, ए अनुपात बी कितना दिया जल्दी बताओ, ए और बी का अंश कितना, 2 और 3 और बी और सी का अंश कितना दिया है जल्दी बताओ, 4 और 5 तो हम बताए बी कॉमन जब आ गया बीच में तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी करना होगा, तो 2 6 8 3 6 12 ठीक है, और यहाँ पे 3 5 15 तो ये 8 12 15 हो गया, और उसके बाद बोल रहा है यही है 7000, तो 8 12 हो गया 20 और 15 35 बराबर ही हमारा 7000 दिया है, तो एक बराबर कितना हो गया 200 रुपया। आगे बोल रहा है आप क्वेश्चन के अंदर में तो बी का हिस्सा कितना, तो 12 हिस्सा ये है, तो 12 × 24 हिस्सा हमारा बी का है, क्लियर हो गया होगा, आसान आसान लगा होगा, कुछ नहीं है, देखिए एकदम आसान आसान है, अगर फिर भी बोलते हैं अगर टफ लगता है ना तो मेरा बेसिक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए और नहीं समझ आने पर कमेंट कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट,
बोलता पहले भाग, पहला भाग एक्स, एक्स का कितना एक बटा दो, दूसरे का यानी वाई, वाई का एक बटे तीन है बराबर, तीसरे का है मतलब जेड का एक बटे चार बराबर है। तो अभी हम बोले थे ठीक करने के लिए, तो ठीक करने के लिए इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, एक्स बटे दो हो रहा है ना जी, वाई बटे तीन हो रहा है ना, और जेड बटे चार हो। हम बताए थे जब ऊपर में कोई नंबर नहीं हो तो डायरेक्ट वही एक्स का मान वही है, वाई का मान वही है, जब ऊपर में संख्या तभी कुछ करना है आगे, अदरवाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता। या तो ऊपर में हटा दो, तो ऊपर हटाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, हम ऊपर भी हटा देते डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको अभी धीरे धीरे सीखना है ना, तो इसलिए तो x का मान हो गया दो, यानी हम लिख सकते डायरेक्ट भी x अनुपात y अनुपात z हो गया दो अनुपात तीन अनुपात चार। आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इक्यासी भाग है टोटल ना जी, इक्यासी है टोटल, तो दो तीन पांच चार नौ बराबर इक्यासी, तो एक बराबर कितना हो गया नौ। अब आगे कह रहा है क्या, तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, तीनों का हिस्सा बताना है, तो नौ दुना अठारह, नौ तीस सत्ताईस, नौ चौके छत्तीस आंसर हो गया। तो एकदम आसानी से आप बना पाओगे, इतना तो तय है, ठीक है, इतना तो तय है जी। तो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट जो नीचे में है उसी तरह का, तो आप लोग बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा, बना लेंगे, हमको पूरा भरोसा है, एकदम उसी तरह का होगा, तो एकदम उसी तरह कर लोगे एकदम। अब एक और बचा हुआ है वो हम ठीक कर देते हैं, कितना नंबर है ये, अस्सी नंबर। अब ये क्वेश्चन जो एकदम आसान है तो हम सिखा देते हैं, ए बी सी डी इस तरह से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बोल रहा है, एक बटे दो सॉरी एक बटे तीन अनुपात एक बटे चार अनुपात एक बटे पांच अनुपात एक बटे सौ। तो जब इस तरह का अनुपात रहे तो उसको सरल कर देना होगा, और सरल करने के लिए आपको सिखाए थे इस सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा जी साठ, तो ऑटोमेटिक है ये हो जाएगा बीस, तीन विषय किए हैं चार से फिर पंद्रह, फिर यहाँ पे पांच से बारह, और यहाँ से दस। आप क्वेश्चन में कह रहा है, बोलता है तदनुसार उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पैनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जोड़ दो बीस पंद्रह पैंतीस, पैंतीस बारह सैतालीस दस सत्तावन, तो न्यूनतम पैन होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। धन्यवाद।